चंपा नगर स्थित एक महिला की मौत हत्या की शंका पर आकर टिकी है। मृतक महिला पेशे से निजी लेडी डॉक्टर थी, जो गृह निर्माण समिति कॉलोनी सुमंगल गार्डन के पास रहती थी। लेडी डॉक्टर प्रेम कुंवर सिसोदिया उम्र 60 वर्ष घर में अकेली रहती थी। उनका शव गुरुवार शाम घर से बरामद किया था। पुलिस ने शव जिला अस्पताल भेजकर पोस्टमार्टम करवाया तो गोली लगने का खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद थाना प्रभारी CSP FSL अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। दोपहर करीब 2 बजे पुलिस कप्तान गौरव तिवारी भी मौके पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने बताया, महिला के सिर में गोली मिली है। पुलिस अब हत्या का प्रकरण दर्ज कर रही है। इसे चिन्हित अपराध में रखकर आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा रहा है। बताया जाता है कि महिला के घर पर संघर्ष, चोरी या लूट जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पुलिस को शंका है कि वारदात को कोई परिचित ही अंजाम दे सकता है, जिसका खुलासा जल्द होगा। इस मामले में मृतक लेडी डॉक्टर के परिजन बताते हैं, सर जब पता चला रात को ऐसा ऐसा हुआ तो हम फौरन निकले पुणे से रात को 10:30 बजे। यहाँ जब आए तो जब अस्पताल के PM रिपोर्ट के उधर तो जो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहला ये देखा तो वो लोग ने हमें प्रेशर किया, चलो ये सब जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी निपटाइए। तो मैं बोला ये जल्दी क्यों होना चाहिए, आदमी तो गया है, हमें जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। तो फिर आया, मुझे डाउट आया तो फिर मैं PM रिपोर्ट के उधर गया। मैंने डॉक्टर सर को बोला, सर में जांच कीजिए किधर खून आ रहा है क्या। तो सबसे उन्होंने देखा तो फिर बुलेट मिली। तो जो लोग स्टार्टिंग में आए हुए हैं जिनको पहला पता चला है उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए अच्छी तरीके से। किसी पे कुछ शंका वगैरह आपको? शंका तो आपको रिपोर्ट में आएगी, जो पहले आया है 2-3 लोग हैं। शंका निशंका तो अभी किसका भी नाम लूंगा मैं, लेकिन जो पहला आया है, जो दूसरा आया है, जिन्होंने देखा है, उनकी सब जांच पड़ताल कीजिए। औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत कस्तूरबा नगर में कल रात पुलिस को खबर मिली थी कि एक महिला की डेड बॉडी घर के अंदर पड़ी हुई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से लॉक था, उसको पड़ोसियों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर डेड बॉडी निकाली गई। और उस वक्त महिला एक सोफे में बैठी हुई थी और उसकी बॉडी सामने रखे टेबल पे गिरी हुई थी। और वहाँ जो सब इंस्पेक्टर पहुंचे थे उनका कहना था कि उसके नाक से खून निकल रहा था। मामला संदिग्ध देखते हुए रात में, चूँकि रात का टाइम था, तो उसको मोर्चे में रखा गया था। सुबह पोस्टमार्टम के दौरान ये सूचना डॉक्टर के माध्यम से मिली, उसके सिर में एक बुलेट अटकी हुई है। उसके बाद फिर पुलिस थाना और औद्योगिक क्षेत्र में धारा 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया, 8 व्यक्तियों के खिलाफ, और इसमें आरोपी की जाँच की जा रही है। और मामला काफ़ी सेंसिटिव है, इसके मामले की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने इसको जगन सनसनी खेज अपराध में रखा है। और इसमें आरोपी की जानकारी देने वाले को 10,000 रुपये के इनाम घोषित किया है। और इसमें CSP रतलाम के नेतृत्व में एक SIT गठन किया गया है, जिसमें साइबर सेल, FSL आदि के एक्सपर्ट भी शामिल हैं। तो वो लगे हुए हैं, जल्द ही मामले का खुलासा करेंगे हम लोग। सर किस तरह की लूट सामने आई है? मामला ऐसा लूट का प्रतीत नहीं होता है, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको जानकारी हो, क्योंकि दरवाज़ा जो लॉक था वो दरवाज़ा अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से लॉक किया जा सकता है, उसकी जानकारी थी उसको। और प्लस कब उसके यहाँ कोई आता नहीं है, कब अकेली रहती है, इस तरह की चीज़ें लेकर आई थी। लेकिन उनकी जो बेटी है, उनका कहना है कि उनके जो ऑर्नामेंट पहने हुए थे वो गायब है। तो ये संभावना है कि मर्डर को डबल तरह कन्वर्ट कर की तरह कन्वर्ट करने के लिए माइंड किसी ने ऐसा षड्यंत्र रचा हो। जिस तरह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह मरीज ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज में उपचार करवा रहे 8 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें घर भेजा गया। कलेक्टर रुचिका चौहान, SP गौरव तिवारी, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित सहित स्टाफ ने तालियां बजाकर मरीजों का उत्साहवर्धन किया। स्वस्थ होने वाले 4 मरीज रतलाम तथा 4 मरीज जावरा के हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने मीडिया को बताया, 8 पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं और कल रात की रिपोर्टिंग के अनुसार हमारे 42 एक्टिव केसेज बचे थे, तो अब हमारे 34 एक्टिव केसेज बचे हैं। और मैक्सिमम लोगों का स्वास्थ्य एकदम स्थिर है और ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से चल रहा है। डीन मेडिकल कॉलेज से भी निगरानी किए हुए हैं। और ये जो नंबर्स हमारे रतलाम में इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये एक तरीके से हमारे एफर्ट का ही प्रयास है
हम लोग पूरी सर्वे टीम्स और फीवर क्लिनिक के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है पेशेंट्स का वो हो सके, जिससे कि उनको ट्रीटमेंट जल्दी मिल सके और उनका आइसोलेशन जो है, जो कि इस बीमारी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यदि हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हमको बाकी लोगों से दूरी मेंटेन करना है और अपना सेल्फ पर्सनल हाइजीन भी देखना है और अपनी तबीयत का मॉनिटरिंग भी करना है। जब अर्ली मॉनिटरिंग हो जाती है या अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तब हम पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक करके और स्वस्थ करके उनके घर भेज पाते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का 50वां जन्म दिवस कोरोना जागृति दिवस के रूप में विनोबा नगर झुग्गी बस्ती में मनाया गया। इस मौके पर संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कहा, कांग्रेस की मांग पर शासन ने नगरीय निकाय के करों पर लॉकडाउन अवधि की पेनल्टी माफ की है, यह हमारी जीत है। समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुर्शीद अनवर, फतेहलाल कोठारी, यास्मीन शुरानी, मयंक जाट सहित नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आंदोलन ने हमारी मांग को मांगा है और जो 2 महीने का कोविड पीरियड का जो पैसा था वो शासन ने वापस इस चीज का मना कराया कि वो पैसा हम नहीं लेंगे। 2 महीने तक जलकर का काउंटर बंद था, जनता से जबरन वसूली की जा रही थी। कांग्रेस ने जनता की मांग को उठाया, आंदोलन को ऊपर तक पहुंचाया और वापस आंदोलन की चेतावनी दी थी। उसका परिणाम ये रहा, भाई जगदीश जी उस आंदोलन में हमारे साथ शामिल थे, सभी हमारे पूर्व पार्षद भी शामिल थे। उस आंदोलन का प्रभाव ये रहा है भैया कि उस चीज को शासन ने माना है और रतलाम की जनता को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हार्दिक बधाई देता हूँ और ये हमारी कांग्रेस की पहली जीत है। चीन की हरकतों पर आम जन के आक्रोश में उबाल आ गया है। गुरुवार की शाम जन आक्रोश सड़क पर मुखर हुआ। सेलाना बस स्टैंड पर करनी सेना ने चाइना सामान की होली जलाई और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। करनी सेना ने स्वच्छता का ध्यान रखते हुए होली तगाड़ी में जलाई, जिससे गंदगी ना हो। करनी सेना पद अधिकारी ने कहा, जरूरत पड़ी तो हमारी सेना के युवा भी सीमा पर जाने को तैयार है। जी, हमने चाइना का बहिष्कार किया है, चाइना के सभी आइटम्स का बहिष्कार किया, चाइना से बनने वाली एप्स का हमने विरोध किया है और हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के वीर जो शहीद हुए उनकी शहादत बेकार ना जाए, भारत सरकार उसे मुंह तोड़ जवाब दे चाइना को, ताकि वो आगे से ये गलती करने से 10 बार सोचे। आगे क्या करेंगे आप लोग? हमारा ये है आगे कि जैसे अगर इस तरह का ये आंदोलन हमने पूरे भारत में छेड़ रखा है कि हम चाइना का बहिष्कार करें, अगर जरूरत पड़ती है, अगर युद्ध का काल बनता है, तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी के सेना के सभी सैनिक आर्मी के लिए समर्पित है, हमारे देश के लिए समर्पित है, अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम बॉर्डर पे जाने के लिए लड़ने के लिए तैयार। शाम को शहर सराय स्थित शहीद चौक पर भाजपा ने आधे घंटे के भीतर 2 आयोजन कर व्याप्त गुटबाजी पर मोहर लगा दी है। पहला आयोजन शाम 6:30 बजे पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी के मार्गदर्शन में भाजपा ने किया। यहां कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाद में चीन का पुतला भी दहन किया। पुतला दहन के बाद भाजपा नेताओं ने जले पुतले की गंदगी भी साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, चीन के जवानों ने धोखे से हमारे जवानों पर जो हमला किया उससे हमारे जो जवान शहीद हुए हैं और बाद में भी हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, इस कारण से आज पूरा देश उद्वेलित है। चीन के प्रति लोगों में गुस्सा है, उसकी जो धोखेबाजी उसके प्रति नाराजगी है। भारत एकजुट है और इसीलिए पूरे देश के अंदर चाइना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, चीन के पुतले जलाए जा रहे हैं और यह दर्शाया जा रहा है कि हम एक एक जवान के खून का बदला लेंगे। भारत एकजुट है, भारत की चाइना से लड़ाई एक मोर्चे पर नहीं है। चाइना ने जहाँ हमला करके हमको चेतावनी दी है, हमको चुनौती दी है, दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से भी वो हमारे देश के अंदर कब्जा करना चाहता है, उससे भी लड़ाई है और इसलिए आज ये भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है और ये संकल्प लिया है कि हम चाइना के सामान का उपयोग नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। आतंकवाद से लड़ते जो जवान शहीद हुए उनको भी श्रद्धांजलि दी गई है और कोरोना के संघर्ष क्रम में जो हमारे डॉक्टर, नर्स और जो भाई पुलिस के जवान शहीद हुए उनको भी
इस आयोजन के आधे घंटे बाद शाम 7 बजे इसी स्थान पर भाजपा के दूसरे गुट ने आयोजन कर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां भाजपा नेता मनोहर पोरवाल ने संबोधित कर चाइना सामान का बहिष्कार करने की अपील की। एक ही स्थान पर भाजपा के 2 आयोजनों को लेकर कार्यकर्ता पशुपेश में रहे। सिर्फ आधे घंटे के अंतराल में एक ही पार्टी के 2 आयोजनों पर चर्चा होती रही। पार्टी महामंत्री मनोहर पोरवाल से जब इस मामले में सवाल किए तो वे मीडिया को गोलमोल जवाब देते रहे, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर कहा दोनों आयोजन भाजपा के हैं। देखो, ऐसा है कि ये देश का मुद्दा है और इसके अंदर सभी को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का अपना एक देशभक्ति का उदाहरण है और इसमें सभी लोग आम लोगों के सहयोग से और आम लोगों की सहमति से आज यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कहीं हो सकता है कि उनने अपने हिसाब से थोड़ा सा जल्दी आकर के और कर लिया। हमारा 7 बजे का टाइम था, हमने 7 बजे निर्धारित समय पर आकर के और श्रद्धांजलि अर्पित करी। बाकी और कोई ऐसी उसमें ऐसी कोई विषय नहीं है कि जिसके अंदर कोई विषय बनता हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो कई कार्यक्रम, अभी और भी कई कार्यक्रम होंगे और इस प्रकार का आयोजन लगातार चलते रहेंगे। नहीं, भाजपा ने दी है तो भाजपा कई तरह से कार्यक्रम आगे भी आयोजित करते रहेंगे। हमारे रतलाम के कई विंग है, कई तरह के हमारे प्रकोष्ठ है, कई तरह के हमारे मोर्चे हैं। विद्युत पोल में करंट उतरा और 2 दिन में 2 जानवरों की मौत हो गई। अलकापुरी और सन सिटी के सामने हुए इन 2 हादसों के बाद जिम्मेदारों ने चुप्पी साध ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लापरवाही पर चुपचाप पर्दा डाला जा रहा है। ये तो गौवंश और नंदी की मौत हुई है, यदि जन हानि होती तो किस तरह का हंगामा होता। क्या कारण है कि शहर की राजनीति भी चुप हो गई है? किन कारणों से विद्युत पोल में करंट उतरा और गौवंश की मौत हुई? अब तक ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लाखों रुपए का ठेका लेने वाले ठेकेदार पर प्रशासन से लेकर जन प्रतिनिधि तक कृपा पात्र क्यों बने हैं? क्या कारणों की जांच नहीं होनी थी? ठेकेदार ने कितने पोल लगाए, कितनों पर LED लगाई, अर्थिंग की क्या व्यवस्था की? बस जानवर की मौत थी ना, कौन जताए अपनी संवेदनाएं? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता का उसूल है। लेकिन यह तय है, इन गौवंशों में ही देवता का रूप है। इनकी तड़पती आत्मा को एक दिन हमें जवाब जरूर देना होगा, नहीं तो आने वाले परिणाम भोगने को तैयार रहना होगा। कोरोना का कहर लगातार जारी है। हाल ही में आने वाली रिपोर्ट में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीज की संख्या बढ़ने का कारण साफ है, कांटेक्ट में कमी ना होना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होना, मास्क नहीं पहनना। बाजार की भीड़ ये सब साबित भी कर रही है। हर दिन बिना मास्क लगाए बाजारों और दुकानों में भीड़ बढ़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को मजाक बना दिया गया है। एक वाहन पर 3 सवारी नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। शासन प्रशासन सिर्फ आगाह कर सकता है, जीवन शैली और नियमों का पालन तो जनता को ही करना है, क्योंकि मानव जीवन अनमोल है। नियमों का पालन होगा तभी हमारा रतलाम कोरोना की जंग जीत सकेगा।